कंज्यूमर अवेकनिंग में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एटीएम से हुए फ्रॉड के बारे में और बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ्रेंड्स, बैंक में जब भी आप इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन लेकर जाते हैं कि हमारे साथ एटीएम में फ्रॉड हो गया है या हमारे पैसे निकल गए हैं किंतु हमने ऑपरेट नहीं किया या किसी भी तरह की कोई समस्या होती है, तो बैंक अमूमन ये आर्गुमेंट देता है कि ये तो फ्रॉड है, क्रिमिनल ऑफेंस है, आप FIR लॉन्च करिए। तो फ्रेंड्स, हम आपको यहाँ बता दें कि हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर एस्टैब्लिश्ड कंज्यूमर कमीशंस के बारे में जब बात करते हैं और वहाँ पर अपने ग्रीवांस को रिड्रेस करने की जब बात करते हैं, तो हम फ्रॉड शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, हम डेफिशिएंसी इन सर्विसेज की बात करते हैं। बैंक भी अच्छी तरह जानता है कि आप उनको डेफिशिएंसी सर्विसेज की बात कर रहे हैं, पर चूंकि आप आम भाषा में यही कहते हैं कि हमसे फ्रॉड हुआ, तो बैंक आपको FIR लॉन्च करने की बात करता है। तो यहाँ पर FIR किसको लॉन्च करनी है? FIR तो बैंक को ही करनी चाहिए, क्योंकि आपका पैसा बैंक की कस्टडी में होता है, बैंक के रख रखाव में होता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की होती है। और यदि बैंक के ATM से पैसा निकला है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बैंक की होगी। बैंक को ही चाहिए कि वो FIR लॉन्च करे और पता लगाए कि एक्चुअली क्या हुआ है। तो अब हम चर्चा करेंगे कि किस किस तरह से आपके साथ ये दिक्कत आती है। पहला, आपने ATM में अपना कार्ड डाला, पिन डाला और पैसा नहीं निकला। आप स्ट्रगल करते रहे, आपने इन्फॉर्म किया बैंक को कि हमारा पैसा नहीं निकला है, ATM में पैसा नहीं था या कोई टेक्निकल फॉल्ट था। किंतु हुआ क्या, थोड़ी देर बाद आपके बैंक से पैसा निकल गया। तो ये सिचुएशन कब आती है? ये सिचुएशन तब आती है, हम आपको साथ साथ में सावधानी बरतने के लिए भी बता रहे हैं, कि आपने पिन डाला और कैंसिल नहीं किया, आपका प्रोसेस वहीं का वहीं अटक गया। कोई भी टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, जब कोई दूसरा व्यक्ति आएगा उसको ऑपरेट करेगा तो हो सकता है कि आपके पिन से ही पैसा उनको निकल आए। या कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग वॉच कर रहे होते हैं। मान लीजिए एक बैंक में दो ATM साथ साथ में हैं, एक ATM पे आप स्ट्रगल कर रहे हैं और दूसरे ATM पे कोई देख रहा है आपको और वो कहेगा अंकल जी आंटी जी आप जरा हट जाइए, मैं आपकी मदद करता हूँ। वो मदद करता है और आपका पैसा नहीं निकलता, आपने उस प्रोसेस को प्रोसीजर को कैंसिल नहीं किया, वही व्यक्ति आकर आपका वो उस पिन से ऑपरेट करके पैसा ले लेता है। तो ये एक कारण होता है, आपका पैसा इस तरह से निकल जाता है। ये तो हम आपको कारण बता रहे हैं, केवल सावधानियां बरतने के लिए। हम बाद में बताएंगे कि आप बैंक से किस तरह से कंप्लेंट करेंगे और बैंक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी और बैंक कैसे आपके पैसे को रिइम्बर्स करेगा, रिफंड करेगा या क्या करेगा और क्या क्या स्थितियां बनेगी, ये हम आपको बाद में बताते हैं। दूसरा होता है कि आपने तो अपना कार्ड ऑपरेट ही नहीं किया और आप दिल्ली में हैं और बॉम्बे में, श्रीनगर में, किसी और शहर में आपका पैसा निकल गया। इसमें पूरी पूरी संभावना आपके कार्ड के क्लोनिंग की होगी, जिसमें एक बड़े गैंग्स होते हैं और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बैंक की ही होती है। जब आप दिखा देंगे कि हम तो इस पर्टिकुलर डे में यहीं प्रेजेंट थे, यहाँ से गए ही नहीं, दूसरी ब्रांच से और दूसरे शहर के ब्रांच से पैसा कैसा निकला, इसकी जिम्मेदारी भी बैंक की ही बनती है कि वो उस सारे रैकेट को, वो सारी चीज़ों को पकड़े कि कहाँ पर क्या हो रहा है। क्योंकि ये ATM उनकी प्रॉपर्टी है, पैसा आपका उनकी कस्टडी में रखा है, तो डेफिशिएंसी इन सर्विसेज बैंक की बनेगी। तीसरा, आपको अचानक कोई कार्ड आ जाता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, विद ATM ऑपरेशन, सब कुछ के लिए कार्ड आता है, आपने कोई डिमांड ही नहीं किया, किंतु उसके साथ एक फॉर्म आ जाता है। आप सोचते हैं चलिए कार्ड आ गया, उसमें पूरे साल भर का कोई चार्जेस नहीं लगने, हम फिल कर देते हैं। आपने फॉर्म फिल करके भेज दिया, उन्होंने तुरंत आपको कार्ड भेजा, पिन भेजा, पिन आपने रिसीव ही नहीं किया, आपको मिला ही नहीं, पिन कहीं से पोस्ट ऑफिस से या कहाँ से कहीं चला गया और आपका उस पिन का इस्तेमाल क्लोनिंग करके, आपके किसी कार्ड की क्लोनिंग होकर उसका इस्तेमाल हो गया। ये तीसरा कारण है। तो आप सावधानी क्या बरतनी है
यदि आपने कार्ड मांगा नहीं है तो इस लोभ में मत पड़िए कि आपको साल भर कोई चार्जेस तो देने नहीं है, मैं ले लेता हूँ। आप रिफ्यूज करिए और कोई भी फॉर्म इस तरह से फिल करके बैंक को नहीं दीजिए। एक और कुछ केसेस उपभोक्ता अदालतों में जो आए हैं, मैं उनके रेफरेंसेस दे रही हूँ कि किस तरह से होता है। आप ऑफिस में काम करते हैं, आपका बैग खुला रह गया या बैग में आपका कार्ड पड़ा है, आपकी ही कोलीग कोई आपका कार्ड उठाकर, जिसको आपने कभी गलती से अपना पिन नंबर दे दिया है या कहीं लिखा हुआ उन्होंने ले लिया है, वो जाकर भी आपके कार्ड को ऑपरेट करके, आप वॉशरूम जाते हैं, आप थोड़ा सा बाहर जाते हैं, आपका कार्ड लेकर इस्तेमाल हो जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस पकड़ में आए हैं, यहाँ तक कि कई लोगों ने शिकायत करी तो जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो बैंक नहीं पाया कि उनके अपने बेटे ने ही उनके कार्ड का इस्तेमाल किया है। वो कैसे पता चलता है? उसके लिए सीसीटीवी कैमरास को खंगाला जाता है। जब भी कभी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहला काम जो बैंक का होता है वो सीसीटीवी कैमरास को देखता है, और कभी कभी तो बैंक आपको सीसीटीवी फुटेज देता नहीं है। इसका अर्थ है कि कहीं कोई गड़बड़ है। आपका अधिकार बनता है कि आप सीसीटीवी फुटेज मांगे। तो ये फ्रॉड के कुछ तरीके होते हैं कि किस तरह से आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। अब हम आते हैं कि आपका क्या दायित्व बनता है। जैसे ही आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो इमीडिएटली आपको बैंक को इन्फॉर्म करना है, क्योंकि बैंक के सिस्टम में एक हफ्ते के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो कैच हो जाती हैं। एक हफ्ते के बाद वो ट्रांजैक्शंस कैच नहीं होती, तो एक हफ्ते के अंदर अंदर पूरा डेबिट क्रेडिट सारा हिसाब किताब किया जाता है। तो एक हफ्ते के अंदर अंदर बैंक की ड्यूटी बनती है कि वो आपको बताए कि आपका पैसा गया कहाँ, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज मांगे। या कभी कभी क्या होता है, आप अपना जो एटीएम कार्ड है दूसरी ब्रांच, परमिशन होती है कि आप एक बैंक कार्ड, आपका मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक का कार्ड है, तो आप आईसीआईसी बैंक के एटीएम से भी पैसा ले सकते हैं। इसमें क्या होता है, वो सारी की सारी जितना भी सिस्टम होगा और जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी आपके बैंक को आईसीआईसी बैंक से लेनी पड़ेगी। आईसीआईसी बैंक अपना निकाल कर दे देगा कि इस दिन ये ट्रांजेक्शन हुई, इतने मिनट पर, इतने सेकेंड पर इतना पैसा निकला, किसने निकाला, फिर उनसे सीसीटीवी फुटेज मांगी जाएगी, वो फुटेज आएगी। इस प्रोसेस में देर लगेगी। तो फ्रेंड्स, मेरा सजेशन है कि जितना संभव हो सके आप अपने बैंक के एटीएम से ही ट्रांजेक्शन करें, दूसरे बैंक से न करें, क्योंकि उसमें कोई भी बैंक अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। मान लीजिए आईसीआईसी बैंक से आपने विड्रॉ किया है तो आईसीआईसी बैंक तो किसी भी तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ही नहीं, वो सारे तरीके से आपको सारी शीट निकाल के दे देगा, स्टेटमेंट निकाल के दे देगा। ये हमने अदालतों में देखा है कि हमारे पास जब शीट्स आती रही हैं तो हमें पता चलता है कि उस बैंक ने तो अपना काम कर दिया कि क्या रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड दे दिया, बाकी जिम्मेदारी फिर आपकी बैंक की बनती है। तो इसमें दो बैंक के बीच में भी कभी कभी आपके साथ न्याय नहीं हो पाता, तो ये स्थितियां बनती हैं। अब आपको क्या करना है, एक हफ्ते के अंदर अंदर बैंक को इन्फॉर्म करना है और बैंक को एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको रिजल्ट देना है। यदि नहीं मिलता तो आपके पास क्या उपाय है, आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर ओम्बड्समैन की व्यवस्था है, आप ओम्बड्समैन को लिख कर दीजिए, वो भी एक तरह की अदालत है। ओम्बड्समैन बैंक से सारे डिटेल लेकर 30 दिन के अंदर अंदर वो भी अपना सारा डिटेल निकाल कर आपको बताएगा कि वस्तु स्थिति क्या है और क्या हुआ। यदि आप ओम्बड्समैन नहीं जाना चाहते हैं तो आप कंज्यूमर कोर्ट में भी आ सकते हैं, किंतु एक ही जगह पर आप शिकायत कर सकते हैं, या ओम्बड्समैन के पास या उपभोक्ता अदालत के पास, दोनों जगह आप अपनी शिकायत नहीं कर सकते। किंतु साथ ही आपको ये भी बता दें कि ओम्बड्समैन के रिजल्ट से आप यदि संतुष्ट नहीं है तो उसके बाद भी आप उपभोक्ता अदालत में आ सकते हैं, और उपभोक्ता अदालत में आप अपने केस को इस तरह रखेंगे, आपने सर्विसेज ली हैं बैंक की, आपने उनके पास अकाउंट खोला है, आपके अकाउंट की जिम्मेदारी बैंक की है। जब तक आपसे कोई गलती नहीं हुई है, आप अपनी तरफ से पूरी चीजें बता रहे हैं, एविडेंस के साथ आप सारा कुछ दे रहे हैं, आप कितने बजे बैंक गए, कितने बजे आपने ऑपरेट किया और आपने पैसे नहीं लिए, उस समय उस पर्टिकुलर टाइम पे पैसे आपने नहीं लिए, ये उस स्टेटमेंट से सिद्ध हो जाएगा कि कितने मिनट बाद, कितने घंटे बाद और कितने समय बाद वो पैसा फिर निकला है। तो ये सारी चीजें, सारे रिकॉर्ड जब सामने आएंगे, अदालतों के समक्ष सारी चीजें मंगाई जाएंगी, उसके आधार पर बैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मनी,
बैंक विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डेफिशिएंसी इन सर्विसेज। यदि फ्रॉड कोई पाया जाता है और बैंक की किसी स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं निकलता या कुछ भी खोज नहीं पाते, तो ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो FIR करे, पुलिस की मदद ले, रैकेट को पकड़े, छानबीन करे, बड़े स्तर पर करे, छोटे स्तर पर करे, आपके केस की करे या बहुत सारे केसेस की करे, ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किंतु डेफिशिएंसी इन सर्विसेज अगर अदालत प्रूव कर देती है कि आपकी गलती नहीं थी, बैंक की गलती थी, तो फिर आपको पैसा रिफंड होगा। मैंने आपको दो एक केसेस बताए जिसमें एक महिला बहुत शिकायत करती रही कि उसके लगातार पैसे निकल जाते थे और इन्वेस्टिगेशन हुई, CCTV फुटेज के माध्यम से उनके ही अपने बेटे की तस्वीरें सामने आई। तो इस मामले में डेफिशिएंसी इन सर्विसेज ऑन द पार्ट ऑफ बैंक नहीं मानी गई, क्योंकि जब तक आपने अपना पिन किसी को बताया नहीं है, किसी को पता नहीं है, तब तक आपका पैसा नहीं जा सकता और यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है उस केस में भी। और एक और महिला ने अपने ऑफिस में ही दूसरी महिला का फुटेज में चेहरा देखा, तो वो भी क्योंकि पिन आपने ही पास ऑन किया था या बताया था, तो वहाँ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, या कोई भी बात हो, आपकी केयरलेसनेस तो आपकी ही थी कि आपका कार्ड भी उठा लिया गया, आपका पिन भी किसी को पता है, तो ऐसे मामलों में डेफिशिएंसी इन सर्विसेज बैंक के पार्ट पे सिद्ध नहीं होती। तो फ्रेंड्स, आज हमने ATM के बारे में बताया। ATM के साथ साथ क्रेडिट कार्ड वगैरह की भी चर्चा होती है, वो मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि क्रेडिट कार्ड और आपके पास आता है, आपने कोई रिक्वेस्ट नहीं की है, फॉर्म भर के मत भेजिए। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बटन दबाना मत भूलिए। आइकन बटन दबाएंगे तो आपको हमारे फ्यूचर के अपलोड्स भी ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आएगा, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बने रहिए हमारे साथ। हम फिर मिलेंगे इसी तरह के किसी नए इशू के साथ। हम अब बैंकिंग के मैटर्स को शुरू कर रहे हैं, तो बैंकिंग की बाकी बातों पर भी हम आएंगे, चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।